अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नादिर शफान और आप देख रहे हैं गून चैनल 6 पर। मेरे साथ आज मौजूद हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की डीन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर सायरा अफजल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक खूबसूरत किताब लिखी गई है 158 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तारीख पर मबनी एक किताब है। इस किताब की आप चीफ एडिटर हैं, ये किताब कैसे आपके जहन में आई कि ये क्यों होनी चाहिए और ये सब आइडिया किस तरह फॉर्मुलेट हुआ? जी, ये किताब जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं 158 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, इट इज़ द हिस्ट्री बुक ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वो तालीमी इदारा है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी बहुत से अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस किए और पाकिस्तान की नेकनामी में पूरी दुनिया में इजाफा किया। इसका ख्याल असल में मुझे नहीं आया बल्कि हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब के जहन में ये ख्याल आया और उन्होंने मुझसे ये ख्याल डिस्कस किया और पूछा कि कितने अरसे में हम ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने उनसे 5-6 महीने की टाइम फ्रेम डिस्कस किया और ये बात की कि हम जितने भी आर्काइव्स हैं उसे देखेंगे और फिर 158 ईयर्स की मुस्तनद मालूमात जमा करके इस किताब को तकमील के मराहल से गुजारेंगे। जब मैं मुख्तलिफ लोगों से मिली, मुख्तलिफ पुराने प्रोफेसर से मिली, तो उनका ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। वो इस कदर खुश हुए कि उन्होंने लाकर अपनी पुरानी चीज़ें मेरे से शेयर की, जिसमें ख्वाजा सादिक हुसैन साहब शामिल हैं, प्रोफेसर महमूद शामिल हैं, महमूद अली मलिक, प्रोफेसर अख्तर शामिल हैं और कुछ ऐसे प्रोफेसर जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं लेकिन उनके घर वालों ने हमारे साथ बहुत तआवुन किया। उसके अंदर प्रोफेसर फ़ारूक जो कि प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी और प्रोफेसर बशीर जो कि हमारे प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी थे, उनके घर वालों ने लाकर मुझे वो बे इंतहा कीमती तस्वीर, डॉक्यूमेंट्स और याददाश्तें दीं जिससे मैंने ये किताब मुकम्मल की। ये जो किताब है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने लिखी है और इस जो किताब है जो हिस्ट्री है, आप थोड़ी सी ब्रीफ सी दें कि कब से ये यूनिवर्सिटी, किस तरह पहले क्या था और किस तरह यूनिवर्सिटी को उसको बनाया गया और अब तक का सफ़र, छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ आपने कहा, ये तो एक बहुत तवील सफ़र है जो कि 1860 में एक स्कूल लाहौर मेडिकल स्कूल के तौर पर शुरू हुआ ताकि इस खत्ते के अंदर डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए और इसकी पहली कैंपस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अभी भी वो इमारत मौजूद है जहाँ से इसका आगाज़ हुआ। हमने उस इमारत की तस्वीर हासिल की और वो पहली डिग्री जो यहाँ से इशू हुई हमने उसकी भी तस्वीर हासिल की और फिर 1860 के बाद लाहौर मेडिकल स्कूल को लाहौर मेडिकल कॉलेज बनाया गया। फिर ये कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का नाम इसको मिला। 2005 में एक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बना और इसमें रिसर्च और एजुकेशन पर बे इंतहा तवज्जो दी गई। सही, एक यूनिवर्सिटी के अंडर जो जो काम आते हैं उसके रिसर्च हो गया, स्टूडेंट्स के अंदर के बिल्डिंग्स आना, डिफरेंट शोबों को अंदर डालना, तो अभी तक इस यूनिवर्सिटी में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब ने बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं और इन सब की वजह से आज उस यूनिवर्सिटी का नाम हम सब के ज़ेर ज़ुबान आम है। पहले एक वक्त था इस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा नहीं जाना जाता था लेकिन अब मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में माशाल्लाह टॉप पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आ रहा है। क्या चेंजेस आए हैं, क्या आप लोग सामने लेकर आए हैं, क्या क्या खिदमत आई हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ज़ुबान ज़दे आम है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को वहाँ का एक फारिगुल तहसील तालिब इल्म जिसके अंदर जुनून की हद तक अपनी मादरे इल्मी के लिए मोहब्बत हो, वही ये तमाम काम कर सकता था जो कि उन्होंने करके दिखाए। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ चंद एक आपके सामने पेश करूंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा। हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स PhD, MPH, MPhil, MD प्रोग्राम्स के लिए PMDC को मदऊ किया, उन्होंने आके विज़िट की और इनको अप्रूव किया। फिर उन्होंने बहुत से फेलोशिप्स शुरू की, वो तमाम चीज़ें जिनमें फेलोशिप्स पहले मौजूद नहीं थी। हमारे हाँ गुर्दों का मसला बहुत आम है लेकिन बच्चों के गुर्दों के अंदर फेलोशिप शुरू कराना, जोड़ों के मर्ज़ के लिए रिमाटोलॉजी में फेलोशिप शुरू कराना और दीगर फेलोशिप्स उन्होंने यहाँ पर शुरू कराई। एकेडमिक प्रोग्राम्स के साथ साथ उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कुछ नए डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है तो डिपार्टमेंट ऑफ QEC को उन्होंने मजबूत किया और यहाँ पर नई तकरारियाँ अमल में लाई। फिर इसके अलावा हमारा एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑरिक जो कि पहले मौजूद नहीं था, उसे रिसर्च डायरेक्टर के अंदर
उसका इजरा किया ताकि ऑरिक अपनी इंडस्ट्रियल लिंकेजेस को मजबूत बनाए और यहाँ पर ज़्यादा रिसर्च हो सके, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक काम क्रिएटिविटी है, रिसर्च करना है और रिसर्च को मजबूत करना है। जब रिसर्च हो जाए तो फिर उसको डिसेमिनेट करने के लिए उन्होंने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को मजबूत किया। एनल्स ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी हम इस दफ़ा 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मना रहे हैं, उन्होंने इसके लिए बेइंतहा काम किया। एडिटोरियल बोर्ड में उन्होंने बहुत से एडिटर्स को इनवाइट किया, जिसमें से मुझे बहुत खुशी के साथ ये बता रही हूँ कि BMJ के एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर कामरान, वो हमारे एडिटोरियल बोर्ड में शामिल हैं। इसके अलावा प्रोफेसर जॉन स्मिथ, प्रोफेसर जॉन चेम्बर्स, प्रोफेसर जीन ब्लेयर, प्रोफेसर एरा टेक्योन और बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त हमारे साथ इसमें शामिल हैं, जिसमें से प्रोफेसर जॉन कॉट बीक, ये लोग आए और उन्होंने पाकिस्तान में एनल्स ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को देखा और अपनी तजावीज़ से हमें आगाह किया कि आप किस तरह इनको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ इस कलील मुद्दत में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने 50 से ज़्यादा डेलीगेट्स को इनवाइट किया, जिन्होंने आके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को विज़िट किया और उन्होंने कहा कि हम इस कदर खुश हुए हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो तालीम का मेयार है वो किसी भी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। मैं आपको एक चंद एक मसाले सिर्फ दूंगी कि कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ने खालिद मसूद गोंदल साहब को ख़त लिखा कि हम चाहते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे, फिर हमारे साथ मज़ीद रिसर्च में, स्टूडेंट एक्सचेंज में काम करें। चाइना यूनिवर्सिटी का डेलीगेट आया और उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिस्टर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के 5 वाइस चांसलर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वो आए और उसके डेलीगेशन के हेड ने कहा कि इट इज़ सो इम्प्रेसिव, मैंने जैसा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तमाम चीज़ों को विज़िट किया है और मैंने ख़ुद देखा है कि ये रिसर्च में, पब्लिकेशंस में और तमाम एजुकेशनल प्रोग्राम्स में बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसी हमारे लीडरशिप के ऊपर, जो कि एक एजुकेशनल लीडरशिप, मेडिकल प्रोफेशनल लीडरशिप के ऊपर वर्कशॉप मुनक्कद की गई और उसमें पॉल बैरक हमारे साथ शामिल हुए। और US से पॉल बैरक जब पाकिस्तान आए और उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया, तो उसके बाद उनका रिस्पांस जो था वो देखने से ताल्लुक रखता था। नो डाउट, एक अच्छी लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी लीडरशिप और डेडिकेटेड, जो कि हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब जैसी है, इनकी पर्सनैलिटी के साथ वाकई एक यूनिवर्सिटी का नाम कहाँ से कहाँ चला गया। अभी तो मैं एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में आपको मज़ीद भी बताऊंगी और फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियाँ हुई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ हॉस्टल की वजह से बहुत परेशान थीं और शायद आपको हैरत हो कि बच्चियों को रेंटेड हाउसेज में रखा जा रहा था, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के इशूज़ थे, आने जाने के ट्रांसपोर्ट के इशूज़ थे। आप खुद देख सकते हैं कि किराए के ऊपर बच्चियों को रखना, वो बच्चियाँ जो कि अपने मेडिकल प्रोफेशन में आगे जाना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनके माँ बाप भी कितनी बेसुकूनी में साथ रहे, उनको साथ पीछे रहना, ये बहुत अच्छा स्टेप है उनके लिए हॉस्टल्स करना। GC का हॉस्टल अभी इफ्तिताह के करीब है, पंजाब गवर्नमेंट से फंड्स लेके उन्होंने हॉस्टल कंप्लीट कराया यूनिवर्सिटी के अंदर मकबूल ब्लॉक के लिए। एलुमनाई से 63 करोड़ रुपया लेकर एक खूबसूरत इमारत बनने जा रही है, जहाँ पर लेक्चर थिएटर्स होंगे, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल एनवायरनमेंट होगा, स्टूडेंट्स बेहतरीन तौर पर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेंथनिंग की इमारत कंप्लीट हुई है, जिसमें लाइब्रेरी मौजूद है। एक लाइब्रेरी नहीं, 4-4 लाइब्रेरियाँ हैं। फैकल्टी की लाइब्रेरी है, स्टूडेंट लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम्स हैं जहाँ पर बैठ के स्टूडेंट्स अपना मुतालिया कर सकते हैं, अपने इम्तिहानों के लिए पढ़ सकते हैं। ज़बरदस्त, ये सारी जो आपने मुझे बातें बताई हैं, इससे उम्मीद है कि एक यूनिवर्सिटी, एक ऐसी मिसाली यूनिवर्सिटी हमारे सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ इसी लेवल तक आगे जाएं, इसी लेवल को मैच करने की कोशिश करें। आपको बल्कि एक और बात बताऊं कि हमारा ये ओल्ड कैंपस है, इसके अलावा हमारा न्यू कैंपस है जो कि मुरीद के में मौजूद है और वहाँ पर एक खूबसूरत कैंपस बनने जा रहा है और उस कैंपस के लिए 240 एकड़ ज़मीन मौजूद है। इट इज़ एग्जैक्टली 239 और एकड़ और उसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे, बेहतरीन इमारत होगी। वहाँ पर शजरकारी मुहिम हुई है और प्राइम मिनिस्टर की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम के लिए हमारे पुराने प्रोफेसर्स आए, ख्वाजा सादिक हुसैन, इस कदर बुढ़ापे के बावजूद वो वहाँ पर आए, उन्होंने पौधा लगाया, हम सब के दरमियान घुल मिल गए, उन्होंने हमारे साथ अपनी यादें शेयर की। वहाँ पर प्रोफेसर नसीर महमूद अख्तर,
प्रोफेसर महमूद अली मलिक, प्रोफेसर एजाज एहसन और हमारे बहुत से सीनियर फैकल्टी मेंबर्स अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके आए और आके प्लांटेशन की ड्यू कैंपस के अंदर उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि एक बेहतरीन कैंपस किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से मिलेगा। इससे ना सिर्फ ये कि डॉक्टर बनेंगे बल्कि वहाँ के इलाके के लोगों को सेहत की सहूलियात मिलेंगी, हॉस्पिटल मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और इस तरह सोच लाना और इतनी मल्टी डायमेंशनल सोच होना, हॉस्टल्स का हो गया, एकेडमिक हो गया, रिसर्च हो गया, आपने ओल्ड कैंपस की तरफ ध्यान और न्यू बिल्डिंग्स बना, दैट इज़ टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत उम्मीद है और आई एम श्योर कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अब पाकिस्तान की जो टॉप तरीन यूनिवर्सिटी बनने जा चुकी है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ उनको फॉलो करेंगी और पाकिस्तान में एजुकेशन का मेयार और मेडिकल एजुकेशन पर इसी तरह काम होता रहेगा तो अन करीब नया पाकिस्तान दूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ डॉक्टर नारिश अफान और मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर सायरा अफजल। आप देख रहे थे गूंज चैनल 6 पर।